Pakistan. Okay, first the bad news. The BNN people have chickened out. But the good news is they'll be performing, entertaining at the Defy Pakistan Council rally today. This is what happens when you make the sell your soul to the devil. Deal. Okay. Yeah, the same deal. Just say aap wo logo dekhte hain screen pe jo jump karta hai whenever the Pakistan team wins or Chaudhary Prakash gets his head. Anyways, political satire. I won't get into the spiel of what political satire is. I'll leave that to these gentlemen. On my right is Saad Haroon, very famous stand-up comedian who just recently added a lot of political content to his act. Why? And on my left, Ali Aftab of the infamous Beygairat Brigade. आप लोगों ने वीडियो देखा होगा आलू अंडे ह्यूज हेड ऑन यूट्यूब सो लेट्स स्टार्ट विद साद यस व्हाई द चेंज ऑफ एक्ट और इज इट एन इवोल्यूशन सॉरी इज इट एन इवोल्यूशन और व्हाट नो आई थिंक आई हैव ऑलवेज काइंड ऑफ ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल सैटायर Because I think as a comedian, a lot of Pakistanis relate to it. They want it. They crave it. I think we live with, right before Hamsafar started, we lived in a phase of infotainment, you know? Like, Hamsafar might change that all. But right before that, like, Pakistan was about infotainment, which meant about what's going on in the country. That was it. That was the gossip. That was the news. And so I think that doing political satire worked very easily into that format. Excuse me. Stop stealing my mic. Ali, there's a feeling, there's a lot of political satire shows going on television these days. Jio pe hai, aaj pe hai, wagaira. But a feeling ye hai ke most of them target politicians, showbiz celebrities, but very few of them actually touch people like, let's say, an army general. Yes. और हाफिज सईद बट यू गाइस ट्राई टू चेंज दैट आप लोगों ने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की यू टारगेटेड द पाकिस्तान आर्मी यू टारगेटेड वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियंस लाइक इमरान खान एंड सर्टेन अदर सेक्रेट काउज तो ये असल में ये इसीलिए था क्योंकि सैटायर पॉलिटिकल भी है आइडियोलॉजिकल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है और पॉलिटिकल सैटायर तो हमारे से पहले ब्रिगेड के आने से पहले शुरू हो चुकी भी थी और उसका एक बहुत बड़ा क्रेज था पॉलिटिशियंस को क्योंकि जिन्होंने इतनी टॉलरेंस दिखाई क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो कि टॉलरेंट नहीं है इतने तो उनको आप उनके स्क्रूफ्स बनते हुए भी नहीं देखते और ये तो बहरहाल इट्स अ फैक्ट के कभी भी क्यानी साहब नाचते हुए नहीं आएंगे स्क्रीन पे और सेम गोज फॉर द जुडिशरी और इसमें बहुत बड़े बड़े असल में कॉमेडी जो बनती है वो कॉन्ट्रडिक्शन से बनती है और मेरे ख्याल में हमारे पास जितनी अपॉर्चुनिटी है किसी के पास भी नहीं क्योंकि हम लोग भरे हुए हैं कॉन्ट्रडिक्शन से और इसलिए हमारे लिए बड़ा आसान है पता नहीं होता क्यों नहीं मतलब अब इसकी एग्जांपल्स मैं अभी भी कोट कर सकता हूँ बाद में भी कर सकता हूँ ओके मतलब हमारा मतलब आप आइडियोलॉजिकली भी देखें तो जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट थी 1960 में आई थी कि 60s में कि सारे उलमा मिलके बैठे और उनको कहा कि आप डिफाइन करें कि मुसलमान क्या होता है और वो सारा दिन मिलके बैठे रहे और किसी एक डेफिनेशन में मुत्तफिक नहीं हो सके अब जो एक मुल्क आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बना हो उनकी और वो जो बेस हो उसी पे आप मुत्तफिक ना हो सकें तो ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इस पे बड़ा अच्छा ह्यूमर लिखा जा सकता है गाया जा सकता है सब कुछ हो सकता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ इसी तरह पॉलिटिकल तो खैर सैटायर बहुत है ही कि मतलब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है यहाँ पे जमहूरियत रही नहीं कभी तो इस पे भी बड़ा अच्छा हो सकता है सोशल जो है सैटायर सोशल सैटायर भी बहुत अच्छी हो सकती है आसिया बीबी केस में ख्वाजा शरीफ साहब ने अपना एक बयान दिया कि ये जो आसिया बीबी को डिफेंड कर रहे हैं ये हिंदू हैं
अब वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि वो काफिर है, लेकिन हमारी जो एक वो कंडीशनिंग हुई भी है ना अनकॉन्शियस की, वो ये है कि वो हिंदू हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन जू नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन सरमायादार नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन फ्यूडल नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन हिंदू है। तो इस पे बड़ा अच्छा ह्यूमर क्रिएट हो सकता है, लेकिन हम नहीं करते। हम कुछ पॉलिटिशियंस हैं, अच्छा, और ये भी बहुत पॉजिटिव बात है, जो उन पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ा उसकी वजह ये कि पहले ये भी नहीं था होता, और इसके ना होने की वजह सिर्फ ये नहीं थे कि पॉलिटिशियंस टॉलरेंट नहीं थे, इसके होने की एक और वजह ये भी थी कि हम पॉलिटिशियंस को समझते ही कुछ नहीं थे कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। और उसकी वजह ये थी कि एक बंदा टॉप पे बैठा होता था, वो सारे शॉट्स कॉल करता था, वो जितनी वो मेड अप सी असेंबलीज थी उनका फायदा कोई नहीं था। अब अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, दैट मीन्स कि हमारे दिमाग में कहीं एक इमेज है पॉलिटिशियन का कि वो कैसा होना चाहिए। तो और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको वैसा होना चाहिए और वो होंगे एक दिन, और वो ही हमें ठीक करेंगे क्योंकि ये उनकी जॉब है, ये और किसी इदारे की जॉब नहीं है हमें ठीक करना। ओके, साथ इज डूइंग योर एंड इन इंग्लिश डू यू फाइंड टू बी अ लिमिटेशन? इट्स आयरोनिक दैट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। No, it is ironic that I do it in English, and I think that if I wanted to reach a larger kind of a larger audience base, I would do it in Urdu. I would do more of this satire in Urdu. I think there's no big answer to this. The fact of the matter is that I grew up speaking English, and so for me it came. For me, my first kind of instinct was to do it in English. And since there are a lot of people doing it so well in Urdu, you know, there are, you know, just like the gentleman on my left and everyone. So I didn't feel the need to actually. Do it in Urdu, and also you can get away with a lot more if you do it in English because nobody cares. It's true. Yeah, but did you get into some sort of a controversy with some act on burqa? That was in English? Yeah, that was in English. But so what happened? I love that. Thank you. Thank you. Yeah, I did. I used to do in my stand up act this song called Burqa Woman, which is this parody of Pretty Woman. And it was and it was just kind of you took the tune to a very popular old song and you did lyrics with it, kind of envisioning the fact that, you know, like a woman in a burqa, this is being serenaded instead, which is not a far-fetched idea, because it's like saying that a woman in a burqa isn't a real woman, or if you cover your head or if you do hijab, you're somehow different from all the other women around. And I got into trouble for that because. And people had different opinions. Some were very extreme. Some were kind of Some were some were threatening, and some were just very basic. And I think that it's okay though. You know, the idea of satire is to question. So if they looked inside and they questioned and said that this is something very personal to me, and I'm not okay with you talking about it, that's good. You know, and if they actually watched the video and said that, well, this is something that I didn't think of before, that's also good. Because the idea of satire at the end of the day is to raise those questions, not really to answer them. Ali, ये जो throughout हमने the last few years, ज़्यादा the last 10 years, Islamization की wave देखी है पूरे पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा impact हमने देखा है पंजाब में हुआ है. और आप यू ऑल्सो हेल फ्रॉम सेंट्रल पंजाब राइट लाहौर, तो वहाँ तो काफ़ी नज़र आता है. तो डज दैट सॉर्ट ऑफ एक वो भी ट्रिगर किया आपको कि आप इस तरह की कुछ करें जहाँ वो आपको थ्रेटन करता है किसी तरह दैट एनवायरनमेंट? वो बिल्कुल आया, और दिस वॉज बिल्डिंग अप काफ़ी अरसे से, लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर सलमान तासीर की डेथ ना होती तो शायद आलू अंडे एक दो साल बाद आता. वो उसकी वजह से वो प्रोसेस जो था वो जल्दी हो गया, वो रिलीज्ड इट मतलब बिफोर हिज डेथ एनिवर्सरी. वो डेथ मतलब यू गाइस न्यू कि किस तरह की थ्रेट है वंस यू स्टार्ट रिलीजिंग. इसके अंदर आपके अंदर एक लाइन बहुत है, कादरी पे लाइन है कि ये वो मुल्क है जिस पे कादरी हीरो है और तो सलाम को कोई पूछता नहीं है. जब आप ये डाल रहे थे तो न्यू उसका क्या रिएक्शन हुआ? आपको ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी भी मिली, लेकिन उसका दूसरा वाला रिएक्शन क्या हुआ? डिड यू गेट एनी थ्रेट्स एनी वार्निंग्स?
We got a lot of friendly advices. इसके अलावा ये है कि बहुत सारे एंकर्स ने और कॉलम निगारों ने जो हम पे तज़िया किया वो बड़ा फनी था. एक बहुत बड़े एंकर हैं जिन्होंने टीवी पर आके ये कहा और अभी वो बीएनएन वाले आए नहीं क्योंकि उनके शो में आकर उन्होंने ये कहा था कि जी उन्होंने हामिद मीर साहब ने कहा थी कि हम जो है वो बेगैरत ब्रिगेड वो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हैं और अभी तक तो मैंने नहीं बोली अंग्रेजी आती नहीं तो बोलूं कैसे. दूसरा ये है कि दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि हम लोग जो है ना वो ड्रोन्स पे बड़े खुश होते हैं. तो अब ये तो एक वो प्रो ड्रोन और एंटी ड्रोन जो है एक वो बड़ी लंबी डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो जाएगी. लेकिन पता नहीं वो किस तरह उन्होंने इमेजिन किया कि मतलब जब कोई ड्रोन अटैक होता है तो हम घर से बाहर नाचते जाते हैं. तो ये नहीं फिर अली अली असगर कुछ इस तरह के नाम के एक्सप्रेस में लिखने वाले हैं. उन्होंने लिखा हमारे बारे में कि हम कादियान हैं. तो मतलब वो क्योंकि हम नहीं हैं तो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग. अब यहाँ पे ये चीजें लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं अगर छपता है. तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिली. लेकिन फिर वही बात है कि ये अभी भी पॉइंट ये है वी आर नॉट सेफ येट क्योंकि आलू अंडे गुजर चुका है. आलू अंडे पे अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा. लेकिन ये सेशन चल रहा है. इसके बाद 18 को टेडएक्स चल रही है. इसके बाद मार्च में हमारा नया गाना आ रहा है. बात ये है कि मुझे वो टाइम याद है जब तस्वीर साहब की जब डेथ हुई है तो उसके बाद एक ऐसा मंजर था कि सब लोग चुप हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा. वो बल्कि ट्विटर पे भी थोड़ा सा लोगों को एक दफा आराम आ गया था. तो हाँ असल बात ये है कि वैसे तो जिस तरह से हम करते हैं वी डू इट इन अ वेरी गुड टेस्ट. और मेरे ख्याल में ये जो स्पेस क्रिएट करना है ये आर्टिस्ट का ही काम है. ये पॉलिटिशियंस जो कुछ कर सकते थे अभी तक कर रहे हैं उनकी तो सबसे बड़ी मेहरबानी ये किसी का टेन्योर पूरा करने लगे हैं विच इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लो टू द एस्टैब्लिशमेंट. अब हमारा ही काम है कि हम उनके लिए स्पेस क्रिएट करें कि सेक्रेट काउज जो हैं वो इतनी सेक्रेट ना रहें. या सेक्रेट रहने की बात नहीं है, हर चीज पे सवाल हो सके, हर चीज पे बात हो सके. और यही बात है कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वो 6 महीने फिर उस फेज में निकल जाएं. वो जिस तरह तासीर से हम ट्रिगर हुए हमारे से और लोगों को ट्रिगर होना चाहिए और ज्यादा सुनते सामने आए. What do you think about the drone attack? Well, I've never really seen a drone attack, so I'm not exactly sure what it looks like. I think that it's always a kind of a phenomenon. It's always something that is so removed from someone who's living in Karachi that you have like this drone going out, you know, this drone kind of attacking these tribal areas, and I have. No comment. Yeah, I have no comment so far. Well, what exactly about the drones? I don't know. You tell me, what do you think about the drone attacks? I think drone attacks are horrible. I mean, of course, that you know you're bombing your own people. That's a horrible thing. Even if they sort of come out and blow their mosques and markets. Sorry? Even those people who come out and blow up mosques, markets, shrines. No. I think taking innocent life in any form is a crime. You know, I think that you can't exactly say that one thing is terrorism and another thing isn't terrorism. At the end of the day, if you're taking innocent life, that is terrorism. And if your ideology is about not making that distinction between who you think is guilty or who you think is innocent, that's another crime in itself. And I think, what else? Yeah, look here, yeah, after this session, the KLF will mean Karachi Liberation Front. Yeah. What do you think about the drone? Saad ne to dodge maar diya. Yeah, I. इस drones का जो है ना इस पे हम बाद में देखते हैं कि मेरा क्या ख्याल है drones के बारे में. बात ये है कि हमारे मुल्क का जो है वो सारे का ख्याल क्या है. ठीक है, ये जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चेन ऑफ कमांड सस्पेंड की है तब से 3 drone attacks हो चुके हैं. ठीक है, और
मैं ये तो नहीं मान सकता कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ड्रोन गिरा सकें, क्योंकि अगर वो प्रिमिटिव इरानियंस कर सकते हैं तो मतलब हम तो वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर बॉम्ब है। दूसरा चीज ये है कि अब उसमें हमें देखना चाहिए कि क्या मसला है कि वो बंद करने के बावजूद वो बंद हो नहीं सके, क्योंकि ये तो पता है कि जिस दिन नेटो सप्लाई खुलेगी तो वो तो इसलिए खुलेगी क्योंकि जरदारी या गिलानी डील कर लेगी, ठीक है। अब जो ये बंद नहीं हो रहे वो कौन सी डील है, या फिर ये ऐसा तो नहीं हुआ कि चेन ऑफ कमांड जो सस्पेंड पहले कर दी और ऑर्डर बाद में दिया तो नीचे तक ऑर्डर ही नहीं पहुंचा। तो कुछ भी हो सकता है, इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या ऐसी बात है कि ऑर्डर के बावजूद नहीं हम उस पर काबू पा सकते। What do you think about drones, Nadeem? It's not about me. I felt like you were waiting for someone to ask you, so... No, it's not about me. It's about the drones. It's about the drones. Don't worry. Okay. You've been carpet bombed just now. Go ahead. Answer the question. No. Drone attacks are fine. As long as they kill the right people. The right people. Okay. You mean the people on your right or just the right people? Whatever. Yeah, I'm the moderator, okay? That's what they said. Okay, Saad. What about television? You tried to do some television in the beginning, right? Then what happened? Yeah. We did three seasons of the show called The Real News and one other season of the show called Very Live, in which we kind of tried to kind of look at Pakistani society but through comedy. And so The Real News was definitely just political satire that we were doing. We stopped after three seasons because it was getting hard. We didn't have, there's not enough writers in Pakistan. That's a very big problem that we have, is A, writers don't get paid enough, and B, when you're talking about a very specific form of writing like satire, like you don't have those kind of people out there who can write and you can pay them to write. And so we kind of saw the show kind of like teetering off and not being as funny as it could because we just couldn't kind of fire on all cylinders all the time. So we decided to call a hiatus to it. We thought we'd come back to it. We never did. I think TV was really difficult because when you're doing stage, you're kind of doing it in a bubble. And so ever since then, I've just done stage performances. But when you did TV, you couldn't, like, there were so many things you just couldn't talk about. And that's where people, satire is still very limited on TV. I mean, 50-50 was definitely the best satire Pakistan has ever had. And they've done it the best. They had the best writers, the best performers. We are always trying to live up to what 50-50 did because they did it with style, and I think that when you look at TV these days, what's sad about the satire right now is that it's become very limited. I had a conversation with I was speaking to Moeen Akhtar before he died. I was so lucky that he was one of my heroes, and I got to talk to him before he actually passed away. And he talked about how he hated satire. He hated doing it now. He said it's because it's become so mainstream. This world of infotainment has taken over on such a level that politicians would come up and say, "Why aren't you making fun of me? Why am I not popular?" You know, he said, "I hate it." You know, instead of like satire being this cutting edge thing that is, you know, bringing society down to a certain level. These were these politicians saying, "Make me famous. If I wasn't on TV yesterday, if you didn't make fun of me, that means that person on my left was more famous than I was." And so that's why, like, on TV right now, you see them doing satire, but it's very easy. You know, it's like, you know, this person dancing, that old Indian song, then dancing again, you know. And so, you know, because they know that the politicians will see themselves dancing, but they won't really get pissed off at that. They'll be like, "All right. But, you know, why don't you take apart their policies, or take apart, you know, what they're talking about, or take apart the ideas behind, you know, how they got elected?" Nobody actually sits down and has satire about that, I think, properly so far. It's more about them dancing around and doing little Punjabi things and then dancing around again, you know? Okay, I'll come back to the question, Pehla Wala.
politicians are easy to make fun of. You know, they don't bite back. What about the people who do bite back? You know, I'll come back again to certain military generals, ISI guys. Oh, should I leave? No, that is always certain jihadis. So, they're equally famous. And but do you think it should be, like, satire should cut across the board and not just keep picking the same old people over and over again? Like, for example, GOP, hum sab ummeed se hai show. You know, you see one, you see two, they're all the same. You just see Nawaz Sharif and Zardari and all these guys dancing about, kawali kar rahe, you know. So it gets repetitive. Do you think it's maybe selective? Yeah, it's very selective. And it's selective because we're scared. I mean, the thing is that, you know, when it came down to it, and we, you know, when I'm doing comedy with some other comedians I collaborate with, we started to ask ourselves this question as satirists, that, you know, is it more important to do comedy or more important to say something, you know? And that is always the dilemma we have, that how far can you push that line before you get shut down, you know? And is it more important to, like, do comedy or just be shut down and make that point, you know? And for us, we decided that it's, you know, we have to push that line, but if at the end of the day we're not doing any comedy at all because we made that one joke, you know, then it's and so you kind of make those jokes and you allude to things, which is why I think 50-50 was such a great show, because that satire came under the strictest of circumstances, and it made them better comedians, it made them better satirists, you know, having that. And so I think for us it's much easier, but yet we don't push that bar, because a lot of times you do get scared. I remember I did this show in Lahore, and this general was in the audience, so this retired general and everything. And then so I made fun of his son or something like that, and but I alluded to him or something like that, and he got really mad, you know. And this was in Islamabad, and for 2 months I was looking over my shoulder, you know, during a show. I was like, this guy is really mad, he's gonna do something, because we grow up with this fear of the army, and not this fear of the army, the fact that they are all powerful. You know, they're all powerful, and then, like, you yell at someone on the road, oh, you don't yell at certain cars, you know? You just don't do that. And so, for us, it's a constant battle about, like, how do you write about this, and how do you satirize this, and yet continue doing what you do? Yeah, nahi to Saad Haroon commission bhi ban jata. Okay, Ali, you were telling me that while you were recording your next song, तीन चार स्टूडियो वाले जब उनको पता लगा कि द सॉन्ग हैज समथिंग टू डू विद द पाकिस्तान आर्मी ऑफ पाकिस्तान हां वो जो है ऑल्दो मतलब आलू अंडे के बाद आपको ये पता है कि हम लोग उस तरह से नहीं करते कि किसी को गाड़ी में डाल के कुछ करते हैं इश्यूज के ऊपर और गुड टेस्ट में ठीक है क्योंकि आलू अंडे के पेजेस आपको मैं दिखा सकता हूं बहुत सारे जो कि रिजेक्टेड लिरिक्स हैं इसी तरह जब हमने उसमें जब जिक्र किया थोड़ा सा आर्मी का तो उस पे असल मसला ये नहीं था कि वो डर गए असल मसला ये था कि वो दे आर कन्विंस्ड कि आर्मी कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग तो ये ज्यादा डरने वाली बात है ये डरने वाली बात इतनी नहीं है कि वो डर गए असल बात ये है कि दे आर कन्विंस्ड कि वो कुछ गलत काम नहीं कर सकते मतलब अभी जो जब आते हैं तो वो पॉलिटिशियंस का तो एक रुपए का अगर केस हो तो वो टीवी पे आता है उसकी सब कुछ चलती है हमारे पांच मेजर जनरल्स हैं तीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिन्होंने राइट ऑफ कराए हैं इतने बड़े बड़े कर्जे उनके ऊपर आप कभी नहीं देखते Would you like to tell us something about the song? Is it about this? I would like to keep it to myself just because of one thing. एक दफा रिलीज हो जाए ताकि हमें कुछ होने की वजह से ये ना हो कि गाना बंद हो जाए गाना आने दे उसके बाद जो मर्जी बात हो इसी तरह रिलीज करेंगे जैसे आपने लास्ट टाइम किया था यूट्यूब पे इसी तरह करेंगे क्योंकि टीवी चैनल्स ज्यादातर चलाते नहीं सेंसर करके चलाते हैं और आपको सरप्राइज हुआ था व्हेन मेनस्ट्रीम टेलीविजन पिक्ड अप आलू अंडे लाइक डॉन न्यूज़ ने तो बार-बार चलाया था उसके बाद एक्सप्रेस वगैरह सब ने वर यू सरप्राइज जब रात को 1 बजे रिलीज किया है और सुबह आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ट्वीट फ्रॉम यू और यू ट्वीटेड इट लेटर और डॉन न्यूज़ की कॉल पहले आ गई कि गिव अस द इंटरव्यू हम 3 बजे के बुलेटिन में चला रहे हैं और मतलब इसीलिए आपने देखा होगा कि वो
मैं बहुत उजड़ा हुआ था मुझे पता ही नहीं था ये क्या है वरना जेल रखी होती मेरे पास अच्छा इसी तरह एक और चीज भी है वो ये है कि मतलब जनरल्स का समझ में आता है जुडिशरी का समझ में आता है हालांकि जुडिशरी में भी बात ये कि आपने तो हल्का सा आपने सिर्फ सवाल करना है जिस तरह साद ने कहा आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी आपने सैटायर में आपने एक सवाल करना थोड़ा सा फनी हो तो सब वो नहीं तो प्रोवोक की सैटायर हाँ वो बिल्कुल करते हैं लेकिन आप वही बात है कि आप जुडिशरी में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ठीक है मतलब जो इस केस वाला है मसला इसमें एप्लीकेशन जो है वो मोहम्मद फारूक साहब ने दी थी जो जस्टिस समर के भाई ने तो जब मुशर्रफ रजीम थी तो जस्टिस समर ने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा ये केस इनके भाई ने एप्लीकेशन डाली और जब बाद में जब सुनना पड़ा तो उन्होंने सुन ली ठीक है उसके अलावा मतलब वो एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब कोई जज रिटायर होता है तो वो उसके बाद अगर उसको पब्लिक ऑफिस कोई संभालना पड़े तो ये बात जहन में रखी जाए कि वो ओहदा उससे छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंट्रिटी ऑफ द वो डेजिग्नेशन या जो भी है ठीक है ऑफ द सीट हाँ तो लेकिन जब बाद में वो करना पड़ा तो रमजान साहब एडहॉक जज भी बन गए ठीक है उसके तहत वो सबसे नीचे थे शायद जज से तो अच्छा फिर इसमें एक और उससे भी बड़े मजे की बात है चले जी ये तो बड़े हमारे ऑनरेबल इदारे हैं हम इन पर बात नहीं कर सकते ठीक है समझा ये जो सहाफी एकदम से अखलाकियात के वो बन गए हैं उन पे भी अब आके वो थोड़ा सा होता है कि उनकी आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर आप उनको प्रोग्राम्स में उन पे उनके थोड़े से स्पूफ्स देखते हैं या उनको पैरोडी होते हुए देखते हैं लेकिन असल चीज मिस कर देते हैं ऐसे एनालिस्ट या सिर्फ रिपोर्टर्स अब खबर आती है ना खबर के ऊपर पॉलिटिशियन का या जो भी उससे शोबिज वाला उसका मजाक उड़ता है खबर के ऊपर खबर देने वाले का मजाक नहीं उड़ता क्योंकि आप जो एक खबर होती है उसको भी आपको असूलन आना चाहिए कि आप उसको तीन कैटेगरीज में बांट सको एक होती है जो खबर होती है एक होती है जो रिपोर्टर की ख्वाहिश होती है वो खबर नहीं होती और तीसरी वो होती है जो कि खबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती लेकिन असल बात यह है कि वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर ने नहीं की जज करने के बहुत सारे तरीके हैं खबर जो आ रही है खबर की टाइमिंग देखें क्या है ठीक है ना मतलब मुशर्रफ साहब इधर चीफ आर्मी स्टाफ थे फिर वो नहीं रहे खाली सदर हो गए फिर वो भी नहीं रहे इधर रहे फिर वो चले गए ठीक है तीन साल वो वहां रहे जिस दिन उन्होंने कहा मैं वापस आ रहा हूं उस दिन उनके साथ चल रहे तो इस पे भी इस पे रिपोर्टर पता है ये जो हम काफी सुनते रहते हैं कि टीवी टॉक शोज हो वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्रीज स्पेशली टीवी टॉक शो कभी कभी उनको इन्फॉर्मेशन और कभी कभी फंडिंग सुनते हैं कि जनाब एजेंसीज के थ्रू आती है डू यू थिंक ये हमारी सैटायर या कॉमेडी पॉलिटिकल कॉमेडी शोज भी ये होता है कि वहाँ से उनको पता लगता है कि जनाब इसका मजाक उड़ा फोड़ा है इसका ना उड़ा है डू यू थिंक आपका जो कॉमेडी राइटर है वो भी इस सर्कल में फंस चुका है अच्छा इस पर मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं अभी तक मुझे तो किसी ने पैसा ऑफर नहीं किया मैं तो ढूंढ रहा हूँ प्लीज प्लीज मैं तो पिछले इलेक्शंस में मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ मुझे पता लगा कि वो मनसल है क्योंकि हमारे हल्के से खड़ा हुआ था मुझे पता लगा कि वो वोट खरीद रहे हैं तो वो 1500 की मैंने आवाज सुनी मैं तो सारे दोस्तों के आईडी कार्ड लेके एंड तक मैं 250 पे आया हूँ लेकिन कोई नहीं खरीद तो वोट बैंक खाली था तो उसमें ये है कि राइटर्स पता नहीं बिकते हैं नहीं बिकते हैं लेकिन ये है कि एक डर है और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सबका एक अपना वो बिलीफ सिस्टम है हम सबकी एक खास किस्म की कंडीशनिंग हुई है ठीक है तो कई दफ़ा वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि शायद जो मैं सोच रहा था वो गलत था या जो मैं समझता रहा हूँ वो गलत था Saad, when you recently added skits about the Taliban and radicalization, I noticed that a lot of your fans were angry about that. Am I right? Yeah, they were. I think it comes back to the same idea of how much you can push it. And I think a lot of times what makes me and also other comedians
We spend a lot of our time entertaining people. But what entertains us is when you see some people uncomfortable. You know, when you know you've gotten on that edge that they don't want to go to. You open the door, you're like, come in. They're like, no, I don't want to. No, just come here. No. So you get them to that point where they're looking inside. And also, in Pakistan, we have a very kind of guilty complex. You know, like, we think that if we're talking about something, if we're hearing something, we're involved with that crime. You know, we're like, oh my God, I watch, you know, I'm listening to a joke about terrorists. What if a terrorist hears me listening to a joke about a terrorist, you know? Or please don't say that, I'm in an auditorium with you, please. You go, okay? I don't want to die or anything. But for us, it's our responsibility, I think, to talk a lot about terrorism, I think. And the same thing, I guess, when it came to burqa women and everything, was about just challenging, not challenging belief systems, but just talking about them. And the fact that, you know, if someone from Taliban does jokes on me, that's okay too. And if I do jokes on them, that's fine. And I think a core of it comes down to also freedom of speech for us in satire. That the more we talk and the more we push this, the more we ensure that freedom of speech will always be there. You know? Yeah. Okay. Should we start? Any questions? Questions. No seconds.